तहसील सदर में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लेखपालों के ऑफिस बंद करा दिए गए। लेखपाल जिन कमरों में बैठते थे उन पर ताला लगा दिया गया। लेखपालों के प्राइवेट मुंशी भी तहसील कैंपस में नजर नहीं आए। पिछले दिनों तहसील सदर के अर्दली और एक लेखपाल के रुपए लेते वीडियो वायरल हुई थी। लेखपालों ने तहसील कैंपस में अपने अपने ऑफिस बना रखे थे। लेखपालों ने सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए प्राइवेट मुंशी तैनात कर रखे थे, जिसके जरिए सेटिंग कर रिश्वतखोरी का नंगा खेल चल रहा था। तहसीलदार सदर में एक दिन पहले सभी लेखपालों को नोटिस जारी कर ऑफिस बंद करने के आदेश दिए गए। साथ ही प्राइवेट लोगों के जरिए सरकारी कामकाज कराने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बुधवार को कई लोग लेखपालों से काम कराने के लिए तहसील पहुंचे। लेखपालों के ऑफिस पर ताला लटका हुआ देखा गया और शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार और गुरुवार को छोड़कर बाकी दिन लेखपाल पंचायत घरों में शिकायतों का निस्तारण करेंगे, ये कहना है उनका। पालों ने कब्जा पैसा लेके कब्जा कराया। कौन से गांव है ये? उमरपुर बंजरिया। के किस कौन सी भूमि पे कब्जे कराए लेखपालों ने? तालाबों पे। और ग्राम समाज की भूमि पे? ग्राम समाज की भूमि है कब्जे हैं। अभी तक कब्जे मुक्त हुए नहीं हुए? एक भी नहीं हुआ। अच्छा, ये कौन सा तहसील कौन सी लगती है? बरेली। बरेली सदर। हमने प्रधान बनने के बाद ये देखा कि लोग तालाब पर कब्जा कर रहे हैं। हमने शिकायती पत्र एसडीएम साहब को दिए, जिसमें आज तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल साहब को हमने बुलाया, उनको भेजा एक दो जगह, वहाँ जब वो पहुँचे वापस चले आए और फिर लोगों ने अपना लेंटर विंटर जो भी डालना थी डाली, उसको रुकवा दिया गया है। मिट्टी वैसी ही मौके पर पड़ी हुई है। आपने शिकायत इसके एसडीएम सदर से की? जी जी, एसडीएम सदर से भी की, इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई और तहसीलदार साहब से भी बात हुई, सिक्योरिटी साहब से भी बात हुई, सब अधिकारियों से बात हुई, लेकिन किसी तरह का कहीं कुछ भी नहीं हुआ आज तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई? मतलब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई शिकायत करने के बाद भी? लेकिन तहसील के अधिकारी कहते हैं कि हमारे संज्ञान में मामला आता है तो हम कार्रवाई करते हैं। नहीं नहीं, मैंने पूरी तरह से लेखपाल साहब को बुलाकर कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा वो आप समझ नहीं पा रहे हो, आप तहसील में हमारे पास चलो, हमारे साथ चलो, कभी तहसील तुम जाते नहीं हो। तो हमने कहा तहसील जाना ना जाना अपनी जगह है, ईमानदारी की बात ईमानदारी की है भाई। जब ग्राम समाज की जगह है तो ये सब लोग पहले से कब्जे कर रखे हैं, ये क्यों कर रखे हैं? और जब आदेश आता है तो ये खाली क्यों नहीं हुए आज तक? जो कब्जा की गई है जहाँ बोर्ड वगैरह आपने लगवाया? जी, वो पहले से एक बड़े बड़े कहते हैं, बड़े छोटे नाम है, नन्ने बजाज के भाई जो आरा मशीन चलाते हैं उनके भाइयों का कब्जा था उस जगह को। एसडीएम साहब से जब हम मिले तो उन्होंने कहा आपका कोई पर्सनल काम है वो बताओ। मिले इस संबंध में थे कि ये लेखपाल साहब हमारे साथ काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमको दूसरे लेखपाल दे दिए जाएँ जो ठीक ठाक काम करें। तो वो ये बोले देखो ये तो बात ठीक नहीं है, आप जो आपका कोई पर्सनली काम हो तो बताओ। तो हमने वो काम बताया, उसमें हमारा सहयोग किया गया।